जय भीम साथियों। और बस साथियों ठीक ठाक हो? साथियों कई साथियों ने भाई सलाह दी थी कि आप अर्धनग्न होकर अपना प्रदर्शन ना करें, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या फिर तरीका सही नहीं है। उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्वास्थ्य का और आपके सुझाव का ध्यान हमने नहीं दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान दिलाने के लिए, उनके साथ जो हुआ अपमान उसका बदला लेने के लिए भिवानी कोर्ट के बाहर युवा साथियों ने फिर से हरियाणा सरकार की अर्थी निकाल करके और कोर्ट के सामने बैठ चुके हैं। बिल्कुल पुलिस प्रशासन और सब कुछ तैयार है। डीसी महोदय थोड़ी देर में आने वाले कह रहे हैं होंगे, उनसे रूबरू करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए जो युवाओं में आक्रोश है उसको फूट फूट के उनके सामने बताया जाएगा कि इस देश के रेबर। और साथियों ये आपको लाइव दिखाने चला हूँ, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर युवाओं में अंदर जोश है। साथियों आप देखते रहे, धर्मेंद्र वर्मा जय भीम भाई जय भीम, राइटर सुभाष भाई जय भीम भाई जय भीम, बिट्टू सुचैन भाई साहब जय भीम भाई। और सभी साथियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो ने लाइव करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस देश की इस समाज की आँख खुले कि जिसके बलबूते पर देश और समाज चल रहा है उसके साथ ही अपने देश में ही कैसा बर्ताव किया जाता है। एक तरफ दुनिया उन्हें विश्वविख्यात बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ द नॉलेज मांग रही है और अपने ही देश में उसे सिर्फ और सिर्फ मान करने का, उनके स्टैचू को आए दिन छेड़खानी करने का एक माध्यम बना लिया है। छोटी मानसिकता के लोगों, अच्छी मानसिकता के लोगों ने बड़ा ही घृणित काम किया है। साथियों से प्रार्थना है इस मोमेंट में आप हमारा साथ दें। और आइए आपको लाइव दिखाने चला हूँ, जब इन साथियों आइए ये देखिए भाई ऊपर से लेगा भाई साहब ऊपर पूरा दूर थे। इनको नहीं पता वो दोषी कौन है, उन दोषियों का हमें ये मान्यवर कृष्ण जमालपुर जी बाबा साहब से पहले क्या थी ये भी हमें पता है। ये चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, बाबा साहब की बदौलत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बाबा साहब की बदौलत आज ये जमींदार बड़े बड़े जमींदार बने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उस समाज के लोगों बुद्धिजीवियों से भी इतने अहंकार में मत आओ, अपने समाज में गंदगी जो पैदा हुई है उसको मिटा लो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आपके ऊपर ये सारे जो कृपया हुई है। और अभी इस बीजेपी की सरकार ने तो आपको चौड़ा कर दिया था इस हरियाणा प्रदेश में, सरेआम आप लोगों को एक जाति को शिकार बना करके पूरे प्रदेश के अंदर बदनाम करने का काम किया। आप मारे मारे फिर रहे थे, आपके हक में किसी ने केवल और केवल बहन कुमारी माया